जय श्री राम। राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण बीपीएससी टीचर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं। सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट बीटेट एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक, तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, इस पर आगे बातें करेंगे और आप लोग संक्षेप में देखना चाहें तो देख ले। बिना परीक्षा की बहाली संभव उच्च माध्यमिक में भी और माध्यमिक में भी, और आगे भी कारण भी स्पष्ट करने वाले हैं और जो मौका दे दिया गया है, जो कार्य शिक्षक भी हैं इसमें और कई बातें हैं। और वैसे जो आप लोग 12 मार्च 2021 को सुने थे नौकरी पक्की, जब बिना परीक्षा की बहाली होती तो अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, परीक्षा नहीं देख रहे होंगे आप लोग, परीक्षा नहीं होने पर 12 मार्च 2021 के सभी अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव था। जैसे फिजिक्स, और यहां तक कि फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स अंग्रेजी की बात करें, जो भी हैं जैसे विषय में भी बहुत सारे विषय, अधिकतर विषय में तो काफ़ी कम क्वालिफाइड थे, फिर भी बीपीएससी की परीक्षा की बातें की जाती हैं। बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से नौकरी से वंचित रह सकते हैं, वही बातें हैं। ये सब फिजिक्स वाले भी वंचित रह सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं बिल्कुल ही, जबकि आप भी जानते हैं फिजिक्स में क्वालिफाइड नहीं के बराबर हैं, ये भी बातें हैं। फिर भी उन सभी के लिए भी कठिनाई आ चुकी है। पद की तुलना में सब लोग सोच रहे थे फिजिक्स में बात कर रहे हैं कितनी आसानी से फिजिक्स वालों को जॉब हो जाएगा, लेकिन अब ऐसी बातें ऐसे में नहीं होती है। परीक्षा की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं फिजिक्स पढ़ाने वाले जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, काफ़ी समय हो चुके हैं, 4 साल से इंतज़ार किए और 4 साल तक तो लोग अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी अर्थात शिक्षक हैं वो तो पढ़ते हैं नहीं, तो ऐसे में 4 साल तक बात कर रहे हैं तो फिजिक्स ही पढ़ेंगे बहुत, तो भाषा पेपर तो पढ़ेंगे नहीं। और फिजिक्स भी हो सकता है कि दूसरा विषय पर भी जॉब मिल जाए, ये भी होता है, जैसे प्राइमरी के शिक्षक बन जाए जो स्टेट पास हैं सोशल साइंस में और प्राइमरी के शिक्षक, ये भी देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में तो वो सोशल साइंस भी नहीं पढ़ते हैं, तो ये भी बातें हैं। हिंदी अंग्रेजी अच्छा हो ऐसी भी बातें नहीं है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में भी हिंदी अंग्रेजी अच्छा हो ऐसी भी बातें नहीं है। स्टेट में भाषा पेपर नहीं लिया गया था, वहीं बात कर रहे हैं, वही बातें इसमें भी, स्टेट में भाषा पेपर नहीं हुआ था फिजिक्स के लिए बात कर रहे हैं, या फिर जो काफ़ी विषय हैं, और जीके जीएस की बात करें तो इसके लिए भी, जीके जीएस के लिए भी आप लोग जानते हैं बीपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। जीके जीएस की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा भी काफ़ी कुछ हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ये सब के लिए, और ऐसे में सब कुछ पढ़ना है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब के क्वेश्चन, गणित तक भी, प्राइमरी गणित, तो काफ़ी हो जाते हैं सिलेबस और काफ़ी कम समय दिए गए, और उसमें भी बहुत सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं अब 4 साल इंतजार किए और भी काम होते हैं, तो ऐसे में काम में लगे रहते हैं, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत है। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग यहाँ पर ऐसे में देख सकते हैं, ये जानकारी देख रहे होंगे आप लोग तो देख लें। हाँ, अब कंप्यूटर साइंस उसे में बात करने वाले हैं कि क्वालिफाइड औरतों की संख्या आप लोग जानते हैं, आप लोग कोटिवार भी देख रहे होंगे, जो कि देख रहे होंगे आप लोग आरटीआई कॉपी वायरल जो हुआ था उस अनुसार से आप लोग यहाँ पर क्वालिफाइड औरतों की संख्या देख रहे होंगे कंप्यूटर साइंस विषय में बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए। अब आप लोग पेपर भी देखे होंगे, पेपर में क्या देखे आप लोग, गौर किए होंगे, गौर नहीं किए होंगे तो यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद गौर करें। गौर क्या करना है, जो भी कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं, कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी गौर करें, क्या गौर करना है कि जो यहाँ पर आप लोग 6127 क्वालिफाइड जो बीसी में आप लोग देख लूँगी, यहाँ पर जो 6127 क्वालिफाइड बिहार स्टेट का जो वायरल कॉपी जो आरटीआई का था उसमें दिया गया था 6127 बीसी में, लेकिन आप लोग उच्च माध्यमिक का अप्लाई देखे होंगे जो कि प्रभात खबर में देखे होंगे, उसमें भी कुछ गड़बड़ी किया गया है। आप लोग जोड़ेंगे तो ये डाटा उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का इंटरचेंज है, जो कि एक दूसरा से बदला गया है, लेकिन फिर भी आप लोग गौर करेंगे तो इसमें यहाँ पर देखेंगे कि जो बीसी में बात कर रहे हैं, बीसी और बीसी फीमेल, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि कितना कम आवेदक की संख्या है, इसका मतलब 6127 आप लोग देखें ऐसे
BC 2600 पर पहुंच गया 6127 के जगह पर, अर्थात आवेदन करने वाले की संख्या में भारी कमी आई है कंप्यूटर साइंस उसे में। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और भी कारण हैं, कई कारण स्पष्ट करने वाले हैं जो कंप्यूटर साइंस उसे में आवेदन में कमी आने के कई कारण हो सकते हैं, स्पष्ट करने वाले हैं, कई कारण हो सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, BPSC अप्लाई ऑनलाइन सभी जानकारी ली जा रही थी, जैसे BCA PG MCA का, BTEC CSIT ये सब का डिटेल लिया जा रहा था जैसे ही क्लिक करते थे उस पर। तो ये भी बातें हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो स्टेट दोहनीस क्वालिफाइड कर गए लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं। क्वालिफिकेशन का मामला तो बहुत दिन से स्पष्ट कर रहे हैं बिहार स्टेट में, तो क्वालिफिकेशन का मामला तो आप लोग जानते ही हैं, क्वालिफिकेशन का मामला। अब आगे देख लेते हैं, अधिक वेतन का जॉब या बिजनेस मिल जाना, तो ये भी होता है 4 साल में। तो ये इसके अलावा अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कंप्यूटर साइंस विषय में क्वालिफिकेशन में, तो क्वालिफिकेशन में तो आप लोग जानते हैं काफ़ी कम कार्य शिक्षक, तो कंप्यूटर साइंस विषय में ये भी बातें हैं, काफ़ी कम कार्य शिक्षक अन्य विषय की तुलना में बात कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी कम है, 400 के करीब में जो इसमें 2015 के समय में बहाली आई हुई थी कंप्यूटर साइंस विषय में, तो यही है। इसके अलावा जो छठे चरण में कुछ हुए होंगे तो काफ़ी कम, 400 में भी 327 के करीब में ये पेपर में देखने को मिला था। तो कंप्यूटर साइंस में काफ़ी कम कार्य शिक्षक हैं, तो इसलिए कम आवेदन आने के ये भी कारण हो सकते हैं, कम आवेदन की पूरी संभावना जाहिर की जा सकती है। आप लोग ऐसे भी देखें 6127 और BC कैटेगरी का आप लोग देखे होंगे अप्लाई से भी, और ऐसे में 3-4 हज़ार इसमें भी कम हो जाता है ऐसे में भी। तो इस अनुसार से आप लोग वैसे आप लोग कहेंगे 3-4 हज़ार यदि जो नया अभ्यर्थी जो आवेदन कर दिए हों, तो वो सब जिसके पास स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको आप लोग इग्नोर करके चल सकते हैं। आवेदन करने वालों में भी कई ऐसे भी होंगे जिनके पास स्टेट सर्टिफिकेट नहीं हो, हाल में क्वालिफिकेशन प्राप्त किया हो जैसे 2023 में 2022 में लेकिन अप्लाई कर दिए, तो ये भी होते हैं, लेकिन ये सब तो क्वालिफिकेशन जो भी ये सब योग्य नहीं होते हैं। अब आगे देख लेते हैं, आवेदन करने वालों में भी कई ऐसे भी होंगे जो क्वालिफिकेशन नहीं रखते हों, BPSC के लिए आवेदन कर दिए हों, तो ये भी बातें, क्वालिफिकेशन नहीं रखते हों ये भी आवेदन कर दिए होंगे, या फिर जो क्वालिफिकेशन तो रखते हैं लेकिन स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है वो भी आवेदन कर दिए होंगे। तो दो कैटेगरी इसमें भी बनता है जो कि आवेदन कर दिए होंगे, और ये दो कोटि। अब आगे देख लेते हैं, ऐसे में भी जो ऐसे में भी आप लोग जो आवेदन की संख्या देख रहे हो उसमें आप लोग कम करके ही ऐसे में गिन सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, विश्वास में कमी, तो आगे आप लोग देख रहे होंगे विश्वास में कमी, तेजी से बातें कर रहे हैं काफी समय फिर भी लग चुका है। विश्वास में कमी, सरकार द्वारा 4 साल समय इंतजार के बाद फिर BPSC परीक्षा, कई बार इससे परीक्षा ये सब देख सकते हैं आप लोग, इससे भी पहले परीक्षा लिया जा चुका है जी, कई बार परीक्षा लिया जा चुका है, यहाँ तक कि नौकरी पक्की भी किया गया, शिक्षा मंत्री भी बोले थे, ये सब आश्वासन दिए थे, जॉब आश्वासन ये सब की बात है, वर्तमान शिक्षा मंत्री भी दिए और पूर्व के भी शिक्षा मंत्री। अब आगे देख लेते हैं, ऐसे में तो नौकरी पक्की, तो यदि बिना परीक्षा की बहाली हो तो अधिकतर क्वालिफाइड की बिल्कुल ही संभव, और इसमें भी देख सकते हैं आप लोग की लैंग्वेज पेपर भी है, जो कि लैंग्वेज पेपर आप लोग जानते ही हैं दे दिया है, और कितना सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है BPSC का। अब आगे देख लेते हैं आप लोग, यहाँ पर देख लेंगे ये सभी जानकारी देख सकते हैं आप लोग, ये भी है, ये उच्च माध्यमिक का है, EBC का है ये जानकारी, और ये है माध्यमिक का है जो कि टोटल अप्लीकेंट, और ये है जो फीमेल का है। अब आगे देख लीजिए आप लोग, ये सभी देख रहे होंगे, ये प्राइमरी का रहा, प्राइमरी का देख लेते हैं आप लोग, डाटा देख सकते हैं टोटल और फीमेल का ये रहा। अब आगे देख लीजिए आप लोग, ये सभी जानकारी देख सकते हैं पेपर 1 में, ये सभी जानकारी फीमेल की संख्या आप लोग सोशल साइंस उसे का देख ले, सोशल साइंस उसे में लगभग मेल और फीमेल अप्लीकेंट जो बिहार स्टेट में डाटा के अनुसार तो बराबर है वायरल के अनुसार, लेकिन जो RTI जो रिप्लाई होते हैं वायरल दिखाया जाता है, इस अनुसार से तो लगभग बराबरी पर है, बहुत सारे विषय में बराबरी पर है। फीमेल के बारे में आंकड़ा आप लोग को जानना जरूरी है, फीमेल जानते हैं रिजर्वेशन है, यहाँ तक कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी 35% रिजर्वेशन की बातें की जाती है माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, और जबकि जो प्राइमरी में देख सकते हैं आप लोग कितना